वेलकम टू स्टडी इन। तो चलिए 5.3 का प्रश्न नंबर 13 समझते हैं। प्रश्न नंबर 13 है कि y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर में dy अपॉन dx ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न के लिए सबसे पहले हम मेन कॉन्सेप्ट जो है वो समझते हैं। इस प्रश्न के लिए मेन कॉन्सेप्ट है कि आपको पता होना चाहिए कि साइन 2 थीटा जो होता है, साइन 2 थीटा जो होता है वो बराबर होता है टेन के पदों में 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एक तो आपको ये पता होना चाहिए, दूसरा आपको पता होना चाहिए कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो बराबर होता है कोस थीटा के। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स अक्स बराबर होगा 1 अपॉन 1 प्लस अक्स स्क्वायर। यदि आपको ये तीनों पता है तो आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर सकती हो। सबसे पहले ये देखिए कि यहाँ पर 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर है। यदि इसमें मैं x के प्लेस पर tan थीटा पुट कर दूंगा तो सेम ये ऐसा बन जाएगा और ये बराबर होता है sin 2 थीटा के। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि लेट x इज इक्वल टू tan थीटा, और यहां से मैं पहले ही थीटा का मान निकाल लेता हूं तो आपके पास में आएगा tan इनवर्स x। यहाँ पर हम अक्ष का जो मान है टेन थीटा ये पुट कर देंगे तो हमारे पास में आएगा वाई इज इक्वल टू कोस इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहां से हम बोल सकते हैं कि ये हो जाएगा कोस इनवर्स, और यहां पर इसको हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, तो ये आएगा साइन 2 थीटा। क्योंकि हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा, या फिर देखो यहां से एक और बोल सकते हैं हम कि साइन थीटा जो होता है वो बराबर होता है कोस 90 डिग्री माइनस थीटा। यहां पर मैंने उल्टा लिख दिया तो हमको आप क्या देखना है, साइन थीटा का देखना है। तो साइन थीटा बराबर होता है कोस 90 माइनस थीटा के। तो यहां से हम इस साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा हो जाएगा कोस 90 माइनस 2 थीटा के। तो यहां से हम बोल देंगे तो ये हमारे पास में आएगा कि y इज इक्वल टू कोस इनवर्स, यहां पर हम लिखेंगे ये हो जाएगा कोस ऑफ 90 यानी कि पाई बाय 2 बोल सकते हैं, पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, ये आ जाएगा आपके पास में। क्योंकि आप सभी जानते हो कि कोस इनवर्स ऑफ कोस थीटा जो होता है वो बराबर होता है थीटा के। तो यहां से इसको हम लिख देंगे y इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। यहां पर हम थीटा का मान फिर से पुट कर देंगे तो हमारे पास में आएगा y इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2 टेन इनवर्स x। यहां से हम अब इसका अवकलन जो है वो आसानी से कर सकते हैं, इसलिए हम बोलेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहां से हमारे पास में आएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, यहां से पाई बाय 2 कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट का 0 हो जाएगा, माइनस 2 जो है ये भी कॉन्स्टेंट है, ये ऐसा वैसा आ जाएगा, और टेन इनवर्स अक्स का डेरिवेटिव जो होता है वो होता है 1 अपॉन 1 प्लस अक्स स्क्वायर। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस का 2 अपॉन 1 प्लस अक्स स्क्वायर, माइनस का 2 अपॉन 1 प्लस अक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम dy अपॉन dx का जो मान है वो बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं।